बँकांमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या 5 लाख रुपयांच्या मदत ठेवींना आता संरक्षण मिळणार आहे. याआधी ही मर्यादा 1 लाख रुपये इतकी होती. अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये ही घोषणा केली, पण मग आमच्या ठेवींचं काय, आमचे पैसे कधी मिळणार, पीएमसी बँकेबद्दल सरकार का ठोस पावलं उचलत नाही, असे सवाल केलेत पीएमसी बँकेच्या खातेदारांनी. ठीक है, वो एक बजट पास हो गया, उसमें लाख रुपए की जगह श्योरिटी 5 लाख की होगी, वो भी एप्लीकेबल पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक जैसे जो बैंक डूब चुके हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है. ये आगे की जो चीज है उसके लिए इसको लागू किया गया. तो सरकार ने ये जो पुरानी चीजें हैं, जो लोग डूब चुके हैं, कितने लोग हैं जिनका छोटा मोटा रोज का व्यवहार था, रोज का व्यवसाय, जिन्होंने पंजाब एंड महाराष्ट्र में बैंक में पैसा रखा था, किसने हाउसिंग लोन के लिए पैसा लगा, वो सब लोग डूब चुके हैं. क्या है, इतनी हालत खराब है, गवर्नमेंट क्या है डिसीजन नहीं ले सकती. आज चाहे मोदी तो आज डिसीजन ले सकता है, एक मिनट में बैंक चालू हो सकता है. क्यों नहीं, आज भी बैंक के पास इतना पैसा है कि बैंक आज भी चालू हो सकता है. क्यों डिसीजन लेके के रखा है बैंक चालू नहीं होना, बैंक चालू होना चाहिए. मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा 20-22 लाख करा उधर पड़ेगा है, कुछ सेविंग में है, कुछ करंट में, कुछ FD वगैरह है. अभी इतनी प्रॉब्लम है मेरे को अपने इलाज के लिए भी मतलब नहीं है. मैंने RBI से भी रिक्वेस्ट किया, उधर अपनी फाइल मैंने डाली है, भाई मेरे को पैसा चाहिए, मैं USA जाके अपना इलाज कराऊं. कौन से बैंक पे भरोसा किया है, किया जाए आप बता दो, ये बैंक बंद होने वाले हैं, हम आपको 5 लाख देंगे तो लोगों को कम से कम पैसा तो बचे. सरासर चीटिंग चालू है, सरासर चीटिंग चालू है, हाई लेवल की पॉलिटिक्स चालू है, कोई इसमें कोई इंटरफेयर करने को तैयार नहीं है, मोदी जी कुछ बोलने को तैयार नहीं है.